बिसमिल्हिम फ़ार्मा के हॉस्पिटल में जो प्रस्क्रिप्शन राइटिंग का स्टेशन है ना इसमें सबसे पहले प्रस्क्रिप्शन से बात की बात है ना कि सारी हमने याद करनी है उनके डोजेज याद करनी है ड्रग का नेम याद करना है उसकी कैसी डोजेज है और डोजेज क्या है उसकी और साथ कौन कौन सी डायरेक्शन पेशेंट को देनी है यूज़ करने के लिए लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रस्क्रिप्शन राइटिंग का उसका पैटर्न है सबसे पहले राइट हैंड साइड पर टॉप से स्टार्ट करना है इस पर डॉक्टर का नेम होगा क्वालिफिकेशन हॉस्पिटल नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर अपना नाम लिख सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर असमा लिख रहे हैं डॉक्टर आमना वट एवर नेम फिर क्वालिफिकेशन एम बी बी एस एफ सी पी एस वो लिखना है हॉस्पिटल नेम कोई भी रसें हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल लिख दें अगर एड्रेस है तो साहिवाल आ गया फिर कॉन्टैक्ट नंबर अब डेट डेट आ जाएगी डेट भी इसके नीचे है राइट साइड पर ये उसका एक पैटर्न है ठीक है ये जो यू एच एस के पी डी एफ है उसके अकॉर्डिंग मैं पैटर्न बता रही हूँ बहुत से बुक्स पे ये लेफ्ट पे लिखा होता है कोई किसी पे डेट कहाँ पे लिखी हुई ऐसे ही लिखना है एज इट इज़ राइट टॉप पे आएगा ये सारी पहले डॉक्टर की डिटेल आएगी जो जो सब्सक्राइब कर वो प्रस्क्राइब कर रहा है ड्रग जो प्रस्क्राइबर है ये उसकी डिटेल्स हैं जैसे जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं आ, किसी डॉक्टर के पास कभी वो अपने पेरेंट्स को या खुद कभी चेक करवाने जाएँ तो एक डॉक्टर की जो सी होती है ना पेपर उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है उसके ऊपर तो प्रिंटेड होता है ना उस पर डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन साथ ब्रैकेट में लिखी होती है तो वही है डॉक्टर का नाम डॉक्टर नेम लिख देती हूँ इधर में डॉक्टर का नेम होता है फिर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है साथ हॉस्पिटल नेम लिखा होता है कि वो है जो क्लिनिक पर जो हॉस्पिटल बैठ रहा है उसका नेम क्या है वहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर तो वो सारा कुछ उसके ऊपर ना लिखा होता है उससे याद कर सकते हैं आपके वो बिल्कुल टॉप पे वो तो चले प्रिंट हुआ होता है ना तो वो तो ऐसे ही लिखा होता है पूरी एक वो बनी होती है ऊपर प्रिंटेड कॉलम से एक बना होता है सॉरी प्रिंटेड रो बनी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है इसमें क्या होना है कि आपने टॉप राइट पर ये लिख दिया उसके बाद क्या आ जाता है डेट भी इसी साइड पर लिख दिए फिर अब हमने पेशेंट की डिटेल्स लिखनी है जिसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट अब सुपर स्क्रिप्ट में क्या आता है सुपर स्क्रिप्ट में सबसे पहले पेशेंट की डिटेल्स आ जाएंगी पेशेंट uh, का नेम लिखना है पेशेंट का वेट उसकी एज जेंडर और उसका एड्रेस जो डॉक्टर नॉर्मली लिख रहे होते हैं आपसे सबसे पहले वो आपका नेम पूछते हैं आपकी एज पूछते हैं वेट क्योंकि ड्रग्स जो भी हैं वो इनके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करनी होती है फिर डायग्नोसिस का पॉइंट डायग्नोसिस का पॉइंट लिख के जो भी डायग्नोसिस स्पोज ट्यूबर क्रॉसिस है हाइपर है तो यहाँ पे वो आ जाएगा ये सारे के सारे लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं उसके बाद है आरएक्स एक्स जिसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन के आपने कौन कौन सी ना उसकी ड्रग्स उसको आप इंस्क्राइब कर रहे हो इंस्क्रिप्शन की हेडिंग नहीं देनी बस ये पता होना चाहिए आपके इंस्क्रिप्शन ये सुपरस्क्रिप्शन थी ये इंस्क्रिप्शन थी अच्छा सुपरस्क्रिप्शन का तो याद रखा कि वो सुपीरियर है ऊपर आ रहा है इंस्क्रिप्शन का मैंने ये लिखा था इनटेक याद करने के लिए कि जो इनटेक कर रहा है पेशेंट यानी ड्रग्स वगैरह उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन में ड्रग्स लिखनी है और ड्रग्स की स्ट्रेंथ लिखनी है स्पोज़ के हम कहते हैं कैप्टोप्रिल फाइव ट्वेंटी फाइव एम जी टैब टैबलेट उसको टैब लिखते हैं टी ए बी टैब कैप्टोक्रिल ट्वेंटी फाइव एम जी तो ये ड्रग का नेम हो अगर उसकी स्ट्रेंथ होगी उसके बाद ना एक और होता है सुपरस्क्रिप्शन uh, इंस्क्रिप्शन uh, और सब्सक्रप्शन सब्सक्रिप्शन uh, में आ रहे थे बेसिकली नंबर कि कितनी डोजेज़ आपने लेनी होते हैं तो जैसे वो उसको याद करने के लिए आखिर जिस नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स नहीं कह रहे हैं हम यूट्यूब पर कहते होते हैं तो वो नंबर है काइंड kind ऑफ of. तो नंबर के लिए क्या आ जाएगा नंबर uh, के लिए फिर क्या आ जाएगा हमारे पास सब्सक्रप्शन सुपरस्क्रिप्शन इंस्क्रप्शन और सब्सक्रिप्शन है कि नंबर ऑफ़ ड्रग्स के नंबर ऑफ़ कितनी आपने वो गोलियों का कितना उनकी मकदार कितनी तादाद कितनी है मकदार नहीं सॉरी तादाद जैसे आप कहेंगे टैबलेट एटीनोलोल फिफ्टी एम uh, जी ट्वाइस का है कि वो नंबर है कि आपने uh, वो वन टैब ट्वाइस डेली ट्वाइस डेली बाद की बात है वन टैब जो कह रहे हैं ना कि एक गोली आपने लेनी है वो बेसिकली उसकी क्या है सब्सक्रिप्शन याद कैसे करना है सुपरस्क्रिप्ट सबसे ऊपर सुपीरियर ऊपर लिखा हुआ है तो पेशेंट की डिटेल है आ, उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन है जो इनटेक किया है वो उसमें ड्रग्स आ जाएगी ड्रग्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी सब्सक्रिप्शन जैसे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स से याद करने लें वो एक नंबर है कि गोलियों का नंबर कितना होगा और उसके बाद आता है इन सिग्ना जो मैं कही थी ना कि ट्वाइस डेली वो इन सिग्ना है कि आपने उसको डायरेक्शन देनी है कि गोली कितनी लेनी है और वो कैसे उसको कैसे यूज़ करने का तरीका क्या है वो सारा आ जाएगा इन सिग्ना इन सिग्ना के बाद ये आपने राइट पर लिखा ये सब कुछ लेफ्ट पे आ गया अब फिर राइट बॉटम पर आना है इधर डॉक्टर का नेम डॉक्टर की पोस्ट के वो क्या एम ओ है या क्या है उसका पोस्ट किया फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीएमडीसी नंबर लाजमी 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एक पैटर्न ठीक लिखा हो ना तो पैटर्न के भी अटैम्प्ट करने के ठीक लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं आपकी वो ड्रग्स वगैरह भी अलग करें इंशाल्लाह वो भी सारी ठीक होंगी मैं कुछ मेन मेन बता देती हूँ लेकिन जैसे ये पैटर्न है ना ये एज़ इट इज़ ऐसे फॉलो करना है ये यूएचएस का जो पीडीएफ है डॉक्टर इमरान पी वाला उससे उससे मैंने पैटर्न देख के बताया अब जो कुछ इम्पोर्टेंट अगर कहें कि हैं ड्रग्स की प्रस्क्रिप्शन कुछ मैं एक दो करवा रही हूँ बाकी सारी जो पी में ट्वेंटी हैं उन सब की करनी है सपोज़ हाइपर की है अब इसमें जो बाकी पैटर्न है ना वो इस प्रैक्टिकल कॉपी में वो ठीक नहीं है हाइपर में मतलब ये वाला आना चाहिए था इधर राइट साइड पे डेट इसके नीचे आनी चाहिए थी और ये आर आ गया और इन सिग्ना हर ए, ए, उसका लिख लिया अलग से और ये हमारा ये ठीक है अच्छा सबसे पहले हाइपर है तो एक पॉइंट इधर और ऊपर ऐड होना था डायग्नोसिस वाला आर से ऊपर आना था डायग्नोसिस इसको याद करने का वे क्या है कि टैबलेट एटिनोलोल कैप्टोप्रिल क्लोरथायाजाइड बेसिकली uh, मेडिसन्स तो याद रहती है उनकी डोज कैसे याद करनी तो मैंने निमोनिकस का ख़ुद याद करने के लिए रखा था कि हाइपरटेंशन तकरीबन 50 50 के पास के लोगों को ज़्यादा होती है तो टैबलेट एटिनोलोल 50 एम ठीक है उसके बाद कैप्टोप्रिल बाकी दोनों इसके हाफ में 50 एम फिर ट्वेंटी फाइव एम जी ट्वेंटी फ़ाइव एम जी एटीनोलोल कैप्टोप्रिल ए डबल सी बन रहा है ना ए डबल सी तो एटीनोलोल कैप्टोप्रिल क्लोरथाजाइड तीनों टैबलेट्स हैं पहली वाली फिफ्टी एम जी दूसरी दोनों ट्वेंटी फाइव एम जी ट्वेंटी फ़ाइव एम जी हैं और सबकी एक गोली लेनी है और दिन में दो दफ़ा लेनी है रेगुलर बेसिस पे हाइपर टेंशन का ट्वाइस लेने का ऐसे याद रखा था कि एक वो स्लैंग सा बना हुआ है कि दो दफ़ा हार्ट अटैक आए तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि फिर वो इंसान की डेथ हो जाती है इस तरह तो उससे एक वो लाइक इसकी कोई साइंटिफिक बेसिसन में नहीं बता रही वैसे ही एक खुद याद करने के लिए रखा था पॉइंट के वो ट्वाइस डेली के दो दफ़ा किसी को हार्ट का मसला बने तो ए, उससे याद रखा था कि ट्वाइस डेली हो जाएगा हाइपर टेंशन फिफ्टी वालों को करीब के लोगों को ज़्यादा होता है एज अ निमोनिक फिफ्टी एम जी तो उसको ट्वेंटी फाइव एम जी ट्वेंटी फाइव एम जी एटीनोरोल कैप्टोप्रिल क्लोथाइजाइड नेक्स्ट इसमें आ जाती है ए, ए, एक्यूट अटैक ऑफ अनजाइना एंजाइना की तो नाइट्रोगीन लेनी होती है सब लिंगल होती है सब लिंगल के साथ है स्टैट स्टैट मीन्स एट वंस ठीक है ये जो सब स्टेशन नंबर टू पे करनी है एब्रीवेशन उसके अंदर था इसमें सिं, सिंपल ये आ जाएगी कि टैब ग्लिसराइल ट्राइ नाइट्रेट या नाइट्रोगीन पॉइंट फाइव एक गोली लेनी है सब लिंग उसके अलावा आ जाती है प्रस्क्रिप्शन ट्यूबर क्लोसिस के ट्यूबर क्लोसिस में सबसे पहले क्या है इसमें फोर ड्रग्स आएंगे आइसोनियाजिड रिफेम्पिन पायराजीनामाइड इथेम्ब्यूटोल। इन सब को लेना है एक गोली लेनी है और डेली क्योंकि ट्यूबर क्लोसिस का थोड़ा उसका लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है ना इट वो इट कॉन्टीन्यूज फॉर मंथ्स तो डेली की एक लेनी है ट्यूबर क्लोसिस है तो uh, इसकी पहले थ्री हंड्रेड एम जी है इस क्योंकि इसका ना काफ़ी मंथ्स तक तकरीबन सिक्स मंथ तक तो कम अज़ कम ना इसकी ट्रीटमेंट जो लीस्ट उसका ड्यूरेशन इतना होता है तो एक मंथ में थर्टी डेज होते हैं तो थ्री हंड्रेड एम जी दो मंथ्स हैं तो सिक्सटी डेज यानी सिक्स हंड्रेड एम जी हो जाएगा और बाकी फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड थ्री हंड्रेड एम जी सिक्स हंड्रेड एम जी फिफ्टीन हंड्रेड एम जी फिफ्टीन हंड्रेड एम जी और एक एक गोली लेनी है डेली बेसिस पे लेनी है ये आ जाएगी ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबर क्लोसिस आइसोनियाज इट रिफेम्पिन पायराजीनामाइड इथेंब्योटोल अगेन रिपीटिंग आई आर पी ई -E. इसका ये है आई आर पी सॉरी पी ई सिक्वेंस है वैसे ही ये वाली याद रहेंगी क्योंकि हमने फार्मा में वैसे की हुई थी आ, उसके बाद है पेप्टिकल्सर के लिए पेप्टिकल्सर के लिए सबसे पहले ओमेप्राजोल ट्रिपल रेजिमेंट है ना जो वही रिपीट हो रहा है ओमेप्राजोल है क्लेरिथ्रोमाइसिन है एमोक्सीलिन है और इसमें साथ हमने वो जब थ्योरी की थी फार्मा की तो उसमें साथ किया था कि जो रेजिस्टेंट और के से कोई सेंसिटिविटी हो या मसला हो तो उसको हम दूसरी भी दे सकते हैं अब इनकी आ ज़्यादा है ट्रिपल रेजिमेंट वालों की फोटी एम जी फोर्टीन डेज के लिए एक तो दोनों और फोर्टीन से मैंने याद रखा था फोर्टी फोटीन डेज है ना अगर फोटीन डेज याद रह जाए तो फोर से फोर्टी एम जी और वन से वन ग्राम बाकी सारी की सारी ड्रग्स मिली ग्राम में एक तो ये दोनों ओमेप्राजोल और मोक्सीलिन कैप्सूल फॉर्म में होती है और एमोक्सीन वन ग्राम है और जो है ओमेप्राजोल वो फोटी एम जी है क्लैरिथ 500 हंड्रेड है उसके बाद 14 डेज से इतना याद रख लेंगे एक तो पेप्टिकल से की जो सर है वो 14 डेज़ के लिए इसकी देनी है मेडिकेशन एक कैप्सूल मॉर्निंग में एक कैप्सूल इवनिंग में बी डी होता है ट्वाइस अ डे अच्छा इसके अंदर क्या होता है मैं वो बता दूँ वाइब्रिवेशन वाले में किया होगा एक होता है एस आई डी बी आई डी टी आई डी क्यू आई डी एस आई डी एस फॉर सिंगल तो इससे याद रखना ये निमोनिक का है उसका मीनिंग नहीं है एस आई डी सॉरी लिखना था एस आई डी का मतलब होता है वंस आर डे इसको ओ डी भी लिखते हैं प्रस्क्रिप्शन में लेकिन अगर स्टेशन नंबर टू पे आ जाता है ना तो वहाँ पे ओ डी होता है फॉर राइट आई वहाँ पर ओडी स्टैंड फॉर राइट आई प्रस्क्रिप्शन में कहीं पे अगर ओ डी लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो हमारा स्टेशन नंबर थ्री फोर है तो उसमें इसको हमने लिखना वंस डेली लीजिए मतलब ड्रग्स के साथ अगर कहीं लिखा हुआ है बी आई डी बी का याद रखा था मैंने कि ए बी सी में जो बी है वो सेकंड नंबर पे है तो बी का मतलब है टू ट्वाइस अ डे ठीक है बाद में टी से तो थ्राइस अ डे तीन दफ़ा क्यू से क्वाड्रिपल कह सकते हैं कि ये क्वार्टरनरी के फोर टाइम्स अ डे तो एस आई डी याद रखने के सिंगल एस फॉर सिंगल तो एस आई डी वन साडे बी आई डी ट्वाइसा डे टी आई डी थ्राइस अडे और क्यू आई डी क्वाटरनरी होती है एफ फाइव यानी फोर टाइम्स अ डे एस आई डी के साथ ना उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इट्स फॉर वेटरनरी कि वेटर्नरी के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं एस आई डी ओ डी यूज़ कर सकते हैं हम के जो पे हम ह्यूमस को दे रहे हैं वंस डेली तो यहाँ पे बी आई डी को ही बी डी लिखा हुआ है बी आई डी ज़्यादा बेहतर है बी डी लिख दें तो वो भी सही है यानी ट्वाइस डे दे देनी है फोर्टीन डेज के लिए मोस्टली जैसे प्रस्क्रिप्शन में आ रही है ना अब सपोज करें किसी को वो स्टमिक का मसला हुआ वैसे है वैसे कोई डायरिया वगैरह टाइप होता है तो वो उसकी दवाई बार बार ले रहे होते हैं ऐसी नहीं होती है उसकी वन सा डे हो वो सुबह शाम लेनी होती है तो वो ये वन कैप्सूल इन द मॉर्निंग ये सिग्ना है उसकी डायरेक्शन है वन इन द इवनिंग फॉर फोटीन डेज फोर्टीन से वन से याद 14 के फोर से याद रखना यह फोर्टी एम जी था और वन से याद रखना ये वन ग्राम था उसके बाद पीछे से रह गई हैं कुछ एंडोरिस की हो गई है हाइपरटेंशन की हो गई है टाइफाइड फीवर टाइफाइड फीवर और साथ ये है बेसिल डाइसेंट्रीसिल बेसिलरी डाइसेंट्री इन दोनों में टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और फिफ्टी एम जी फाइव हंड्रेड एम है बेसिलरी डाइसेंट्री में सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक गोली ट्वाइस अडे फाइव हंड्रेड एमजी और इसके अंदर भी सेम सिप्रोफ्लॉक्सासिन फाइव हंड्रेड वन टेबलेट ट्वाइस डे अब टाइफाइड फ़ीवर में क्या है कि किसी को टाइफाइड हो जाता है जब भी फीवर का वर्ड आ रहा है तो फीवर में हम नॉर्मली पैरानॉल पैरासिटामोल वगैरह देते हैं ना तो उससे याद रखना है कि पैरासिटामोल देनी है पैरासिटामोल के पी से पी फॉर पैरासिटामोल पी फॉर पाँच सौ पी फॉर पाँच दिन ठीक है पैरासिटामोल पाँच सौ मिलीग्राम और पाँच दिन मैंने पहले फीवर से मैंने पहले पैरासिटामोल याद किया पैरासिटामॉल से, से वो पाँच सौ ग्राम है और वो पाँच दिन के लिए क्योंकि ये भी पाँच सौ मिली पाँच सौ ग्राम है तो इसके साथ जो टाइफॉइड फीवर की दूसरी है ड्रग वो है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन वो भी फाइव हंड्रेड एम जी है ट्वाइस अ डे फॉर फोर्टीन डेज ये देनी है चौदह दिन के लिए और ये पाँच दिन के लिए देनी है उसके बाद बेसिविटे सेंट्री की मैंने बात की थी तो उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है फाइव हंड्रेड एम जी ट्वाइस a डे और ये और जितनी भी डाइस एंट्री वगैरह आती है सब में ओ आ एस ड्रिंक फ्रिक्वेंटली तो ये बेसिलियर सेंट्री टाइफाइड फीवर का याद हो जाएगा सिप्रोफ्लॉसासन है फाइव हंड्रेड एम जी है वन टैबलेट है ट्वाइस अ डे इसमें तीन दिन के लिए बेसिलर सेंट्री में तीन दिन के लिए उसमें चौदह दिन के लिए थी जो अमीबिक डाइसेंट्री है ना उसमें मेट्रोनीडाजोल है आ, साथ है ये फोर हंड्रेड एम जी दो टैबलेट्स थ्री टाइम्स पर डे थ्री टाइम्स पर डे को टी आई डी भी आप लिख सकते हैं फॉर फाइव डेज़ और फाइव का डबल हो गया टेन डेज ओ आर एस भी लिखना है मेट्रोनिडाजोल है डाइलनाइट फ्यूरेट 500 हंड्रेड एम जी ये फोर हंड्रेड एम जी और फाइव हंड्रेड एम जी मतलब यहाँ पे वन एड रहा है आ, मतलब फोर से फाइव बन गया ना और वहाँ पे फाइव से टेन बन गया तो ये थ्री टाइम्स पर डे ओरली लेनी है पाँच दिन के लिए उसमें भी जो पहली दवाई थी वो जो सी हमने ली थी अमीबे बेसिलोडासट्री में वो तीन दिन के लिए थी और पाँच दिन के लिए हमने पैरासीटामोल ली थी किसके अंदर टाइफाइड फीवर के अंदर जो फर्स्ट वाले रहते हुए क्यूट वाइट डायरिया का है कि कैप्सूल लोपेरामाइड है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टू ग्राम टू मिलीग्राम है एक कैप्सूल फोर टाइम्स यानी क्यू आई डी ओरली और आफ्टर एवरी लूज मोशन मैक्सिमम डोज़ इसकी है एट एम पर डे एक कैप्सूल में है टू एम पर डे और मैक्सिमम एट एम पर डे मतलब फोर टाइम्स पर डे से ज़्यादा नहीं ले सकते फिर टनीडाजोल है टू ग्राम्स ये वाले भी टू ग्राम्स में बाकी सारी मिली में थी एक ये टू ग्राम्स में और एक और पीछे की थी वो ग्राम्स में थी और इसमें भी ओ एक्यूट वाइट वाइट ट्री डायरिया बेसिल्ड डाइसेंट्री मिविक डासेंट्री इन सब में ओ आर एस देना है ओ आर एस के साथ जो उसका सिग्ना क्या है ड्रिंक फ्रिक्वेंटली ये कुछ करवाई है मैंने प्रिस्क्रिप्शन prescription और प्रिस्क्रिप्शन और जो उनसे था ना मेन के प्रस्क्रिप्शन राइटिंग का पैटर्न क्या है वो मैंने बता दिया था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर फॉलो करना और कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो बाकी रोन ना यू एच एस वाले पी डी एफ के अंदर ट्वेंटी उसको हम स्क्रीन शॉट शेयर कर देते एंड पे तो वो वाले लाजमी करनी है उनकी